कराची में जब सर्दी आती है ना भाई, तो पता नहीं कैसी कैसी चीजें बाहर आ जाती है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें। जब जरा सी भी ठंड कराची में पड़ती है ना, यकीन माने आप, मैं भी 5 दिन से नहाया नहीं हूँ। ये हमारा झूला जो है ना, तकरीबन टूट चुका है। वेल्डिंग वाले भाई वेल्ड कर रहे हैं, ओहो, झूला रिपेयर हो रहा है। चलो सही वक्त पे हमने देख लिया इसको, वरना या तो कोई मेहमान या तो अहमद नीचे गिरे हुए थे। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो सगाई दिन के सारे काम हम लोगों ने सुबह अपने खत्म कर लिए और अब शुरू करते हैं हम अपना व्लॉग दोपहर के 3 बजे से। तो भाई आज का सीन कुछ ऐसा हुआ था। कराची में जब सर्दी आती है ना भाई, तो पता नहीं कैसी कैसी चीजें बाहर आ जाती है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें। एक और चीज दिखाता हूँ, चुपके बैठी है। यार वाकई में यार, जब जरा सी भी ठंड कराची में पड़ती है ना, यकीन माने आप, मैं भी 5 दिन से नहाया नहीं हूँ ठंड के मारे ना। एक तो चूल्हे पे गैस ही नहीं है, गीजर में गैस नहीं है, चूल्हे में गैस नहीं है, तो बंदा गर्म पानी करे तो कैसे करे यार। इससे बेहतर है बंदा नहाए नहीं, मैं वो बेहतर है। वैसी मैं नहीं, ये देखें ये कैसी खतरनाक चीज घूम रही है। और ये देखें, अभी अभी नहा कर आया था मैं, इस पे ऐसे सुकड़े सुकड़े बैठे हैं। यानी कि तुम लोग जो है ना, सर्दियों में तुम लोग कभी नारायण कागान मरी शरी नहीं जा सकते, पक्का डन। इतनी बर्फ होती ना, तब क्या मैं, तुम तो छोटे से थे ना, तब हम तुम्हें मरी ले गए थे -3 डिग्री पे। इतनी बर्फ पड़ी हुई थी, तुम मजे से खेल रहे थे। जितना मुस्तफा है ना, इतने में तुम गए थे और तुम बर्फबारी में खेल रहे थे। है यारा, ये बहुत छोटा था, अम्मी भी साथ गई नहीं, यासिर और सुमैया भी थे ना, सबसे बड़ा मजा आया। तुम बर्फ में इतना एंजॉय कर रहे थे ना, लेकिन अब तुम्हारी हालत वो रही। अरे इस्लामाबाद नहीं, मरी गए थे मामा के साथ जो गए थे, मामा मामी छोटी। जी जी जी। तो एनीवेज गाइस, अभी तो भाई ये बस नहा धो के फारिग हो गए, और अभी मैं भी यार जोहर की नमाज पढ़ लूँ, क्योंकि मैं वर्किंग पे गया हुआ था। अभी भी यहाँ जोहर की नमाज मेरे रह गई है, मैं नमाज पढ़ लूँ, उसके बाद देन क्या सीन है ये मैं आपको बताता हूँ। तो सो गाइस, भाई आपके भाई ने जोहर की नमाज वमाज पढ़ ली है भाई, और अभी देखते हैं अभी का सीन कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, 2 चिम्पैंजी इधर बैठे हुए हैं जो सर्दियों में बाहर निकलते हैं। भाई ये आहिस्ता हिलो, आहिस्ता आहिस्ता झूलो, ये झूला है, ये तुम्हारी वजह से खराब हुआ है, समझ आई। तो मैं आपको बताने वाला हूँ भाई, भाई हमारा झूला जो है ना, तकरीबन टूट चुका है, जस्ट बिकॉज ऑफ अहमद, क्योंकि हमेशा झूले पे बैठता है, उसके अगेंस्ट रिवॉल्व करता है, इसको पूरा घुमा देगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ हुआ क्या है भाई, इसकी वेल्डिंग निकल गई है, ये देखे भाई। मैं इसके ऊपर बैठा झूले के ऊपर ना, ये टोकरी बनी हुई, मैं इसके ऊपर बैठा और ये नीचे हो गई। मैंने बोला यार अहमद, इतनी नीचे कैसे हो गई, पता नहीं क्या, मुझे समझ में नहीं आया। फिर जब मैं जमीन पे बैठ के मैंने देखा, मैंने बोला वो तो वेल्डिंग निकल गई इसकी यार, जबकि इतनी जल्दी होता नहीं है। ये देखिए, यहाँ से इसकी वेल्डिंग निकल ली है, और यही हाल दूसरी साइड का भी है, यहाँ से भी इसकी वेल्डिंग निकल गई है। थोड़ा थोड़ा किनारों पर रह गया, वरना ये पूरा अभी ये सब पत्नी क्या, ये झूलता है ना तो ये हिलता है, सारी चीज़ हो जाती है। तो एनीवेज यार, इतनी जल्दी होता नहीं है, लेकिन ये जिस तरीके से अहमद ने इस झूले को यूज़ किया है ना, तो ये टूटा अहमद की वजह से ही है भाई। बेटा जी, तुम जो लट्टू घुमा रहे हो उसको, इतने दिन से बैठ गए, तोड़ दो, तूने दिया भी जंबा लगाऊंगा तूने, गजब बेइज्जती है। तो एनीवेज यार, मैं अभी जा रहा हूँ वेल्डिंग वाले को देखने के लिए, वेल्डिंग वाले को लेकर आऊंगा। अगर वो आ गया, मुझे पता है आज काम करेगा नहीं, क्योंकि 12 दिन तो खत्म ही हो चुका है, तो वो कल वाली काम करेगा। पहले वेल्डिंग वाले को दिखाता हूँ मुझे कितने पैसे लगेंगे और क्या खर्चा आएगा इसमें, करेगा भी ये नहीं करेगा, क्योंकि कमरा है, अब ये झूला बाहर ले जाना पड़ेगा, क्या मामला क्या नहीं है। तो एनीवेज भाई, अभी का सीन तो भाई पहले ये कराए, इससे पहले कि ये कोई मेहमान बैठे और मेहमान के ऊपर ही झूला गिर जाए और मजा आ जाए। तो चलते हैं वेल्डिंग वाले को देखने के लिए भाई। वेल्डिंग वाला अगर अवेलेबल है शॉप पे, तो वेल्डिंग वाले को घर पर लेकर आते हैं और उसको झूला दिखाते हैं भाई, इससे पहले कि झूला पूरा का पूरा फारिग हो जाए, कि बैठने के काबिल भी ना रहे। झूला तकरीबन 12-13 हज़ार रुपये का फटका लग जाएगा। चलते हैं वेल्डिंग वाला, गली के कोने पर बैठा हुआ, और वेल्डिंग वाले की शॉप पे कोई है ही नहीं भाई, फोन पे बात करवा रहा हूँ, अभी अजान भी हो रही है असर की यार। वेल्डिंग वाला आता है तो ये काम करवाते हैं अपना झूले बोलेगा। बस वेल्डिंग वाला तो भाई नहीं मिला है, वगैरह असर की नमाज के बाद आना, असर की नमाज के बाद उसको लेकर आऊंगा फिर। तो अभी देन दूसरा काम रह गया, वो काम करते हैं, हम भी चलते हैं असर की नमाज पढ़ने भाई। A few moments later. भाई वेल्डिंग वाले आ गए, जिनको मैं दुकान पे बोलकर आया था शॉप पे, तो भाई नमाज पढ़ कर आप आ जाए तो घर पर आ जाइएगा, तो वो आ गए। तो आइए उनको झूला दिखाते हैं। आ जाओ भाई ऊपर आ जाओ, दरवाजा बंद कर देना यार। ये है, यहाँ से वेल्डिंग निकल रही है और वहाँ से ये काम है, ये उतर जाएगा नीचे, कारपेट को मोड़ लेंगे। ये कर लो, मैं लेके आऊं। कितने पैसे लेंगे? दे देना, ये जायज हो यार। जायज तो बताओ भाई, बता के जाओ तो होगा ना। हैं, कितनी देर में आ रहे हो?
चलो आगे सही है। भाई जान देख के जा चुका है अपना वेल्डिंग वाला, वो कह रहा है बस अपना सामान वामान उठा के वेल्डिंग का प्लान। आजकल तो आपको पता है फुल छोटे मोटे से प्लांट आ गए, पहले आते थे वो बड़े बड़े प्लांट के तो लंबे लंबे तार जा रहे होते थे, अब वो चक्कर ख़त्म हो गया है, अब मैनुअल कोई प्लांट आ गए हैं, वो प्लांट लग जाते हैं अपना काम हो जाता है भाई। तो अभी आ रहा है वो तो वेल्डिंग वेल्डिंग करवाते हैं, वेल्डिंग वाला आ रहा है जल्दी जल्दी। भाई ये टोकरी किसको क्या इसको क्या कहते हैं इसको, इसी को झूला कहेंगे। हाँ। तो भाई मैं अभी झूला को उल्टा करना पड़ेगा, कारपेट हटाना पड़ेगा, सही है एक मिनट जरा हेल्प कर देना, हटो जरा। ठीक है मैं ये झूला डाल रहा हूँ, सही है तुम कारपेट को फोल्ड कर देना, सही है क्योंकि जमीन की तरफ वेल्डिंग करेंगे तो कारपेट को चिंगारी ना आ जाए, लेकिन नीचे बहुत मट्टी होगी। ठीक है रुक जाए पहले इसको हटाते हैं फिर देखते हैं, रुक जाए रुक जाए रुक जाए। दोस्तों गाइस भाई हमने सारा कारपेट छापेट हटा दिया है और झूले को सेंटर में लेकर आ गए, तो नीचे की तरफ से वेल्डिंग करेंगे, कारपेट इस वजह से हटा दिया, जाहिर बात है चिंगारी विंगारी अल्लाह ना करे लग जाएगी तो बड़ा मसला पड़ जाता है आपको पता ही है। तो भाई साहब आ रहे हैं वेल्डिंग वाले अंकल, अंकल वेल्डिंग वाले भाई आ रहे हैं, तो जाहिर बात है कारपेट नहीं तो भाई वेल्डिंग वो कारपेट वेल्डिंग करो, कारपेट के नीचे तो मट्टी तो होती है ना भाई, ये है भाई। तो एनीवेज अभी उनका वेट कर रहा हूँ, वो भाई आ जाए उसके बाद वेल्डिंग वेल्डिंग कराते हैं, उसके बाद देन नेक्स्ट काम। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, सर्दियाँ शुरू होती है ना एक बहुत बड़ा मसला शुरू हो गया है, गैस का शेड्यूल 3 टाइम का कर दिया, 3 टाइम आप गैस आपके घर पर नहीं होगी। आप लोग अपना एक काम करें, आप लोग फलानी वाले को ऑर्डर कर दें ताकि वो 3 टाइम हमारे आप लोगों के घरों पर हमारे घरों पर खाना पहुँच जाए, क्योंकि गवर्नमेंट तो चाहती यही है कि हम लोग भूखे मर जाएँ। सही भाई अब 3 टाइम जाए कि गैस नहीं आएगी तो इंसान करेगा क्या? अभी देखिए 5 बजे गैस बंद हो चुकी है, अब कब आएगी? कल मेरे ख्याल से 8 बजे आएगी ना, 9 बजे। हाँ अब 9 बजे गैस आएगी, बताया 9 बजे गैस आएगी तो इंसान क्या खाना बनाएगा यार? 11 बजे फिर चली गई थी। ओह माय गॉड, मेरी बेगम इतना खाना बनाती है, मैं क्या बताऊँ बस। भाई वेल्डिंग वाले भाई आ रहे हैं यार, इतनी जल्दी टूटते नहीं है, पता नहीं टूट कैसे गया। भाई वेल्डिंग वाले भाई वेल्ड कर रहे हैं, ओहो झूला रिपेयर हो रहा है, 6 महीने के अंदर झूला खराब, वाह। मैं तो आपको दिखाता हूँ अहमद साहब कैसे खड़े हैं चश्मा पहन के ब्लैक, ये देखें अहमद क्या हुआ, चश्मा भी लगाए बेबी। पाइप की चीज़ें ख़राब ही हो जाती हैं, लोहे की चीज़ें उतना वो लंबा चलती हैं। हाँ यही तो है, थोड़ा भारी होता है। अब वो जो पाइप के दरवाजे बनते हैं वो भी सारे ख़राब हो जाते हैं। अगर पाइप आपका 18 गेज का है, हाँ 16 गेज का लगा हुआ ना, हाँ वो तकरीबन 10 साल 15 साल चल जाता है। अच्छा ये हल्के गेज का है ना, ये तो मेरा भाई गेज का पाइप लगा हुआ है। हाँ पाइप पे डिपेंड करता है ना सर, बिल्कुल ही लोकल किस्म का पाइप लगा हुआ है भाई को। भाई अब हमने झूला उल्टा तो भाई पूरा का पूरे चारों तरफ से वेल्डिंग ही निकल गई है पूरा, किसी वक्त ही यानी टूट जाता है ये, तो अच्छा हुआ सही वक्त हमने देख लिया इसको, वरना या तो कोई मेहमान या तो अहमद या मैं कोई ना कोई, हमने से कोई ना कोई एक झूला इसके ऊपर गिरा हुआ था, हम नीचे गिरे हुए थे, तो अच्छे वक्त पर अल्लाह तारा ने बचा लिया भाई माशाल्लाह से। तो भाइयों हमारे झूले का काम हो गया भाई, झूला वेल्ड वेल्ड हो गया है, मैं दिखाता हूँ आपको, एक काम देखा था वो पूरा झूले वेल्ड करना पड़ गया, ये इसको वेल्ड करना था और वाला हिस्सा वेल्ड करना था, लेकिन बात सारी ये हुई कि भाई ये भी पूरा उखड़ रहा था, ये भी उखड़ रहा था, इसका सेंटर का जोड़ ये भी निकल रहा था, ये भी निकल रहा था, सब ये फारिग हो गया था, पता ऐसे कैसे यार इतनी हल्की सी चादर लगा के दे दिए और ये सब मामले उसके ख़राब हो रहे थे। चलो अभी तो बेहतर हो गया, देखते हैं अल्लाह मालिक है कब तक और चलता है भाई, फिलहाल तो अल्लाह का शुक्र है काम हो गया भाई। भाई को जितने पैसे और फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। क्या तो होगा इस यार वेल्डिंग वाला चला गया, एक काम रह गया था मुस्तफा की साइकिल वेल्ड करवानी थी, वो मेरी दफ्तर खाना में मेरे ख्याल से ऊपर रख दिया साइकिल का चेजिस का, ये बड़ा काम है तो ये साइकिल लेके चलते हैं यार, ये बच्चे की हाथों हाथ वेल्ड करवा लेते हैं, पैसे तो देने ही है ना भाई, एक ही पैसों में सारे काम करवा लेते हैं ताकि ये भी वेल्ड हो जाएगी काम भी जाएगा भाई अपना। भाई चलते हैं साइकिल देते हैं और फिर चावल वावल लेकर आने घर के खाने पकाने के लिए, गैस तो 9 बजे आएगी तो भाई 9 बजे ही खाना पकेगा और शाम की चाय भी सोच रहे हैं बाहर से भी बंदोबस्त कर लें शाम की चाय का, घर पर तो बन नहीं सकती। One eternity later. तो साइकिल आ गई है भाई मुस्तफा साहब खुशी के मारे रो रहे हैं कि भाई मेरी साइकिल आ गई है, इधर बैठो भाई करा दी हमने वेल्डिंग तुम्हारी साइकिल, बैठो अपना। दोस्तों गाइस मुस्तफा साहब की साइकिल भाई माशाल्लाह से, मुस्तफा साहब ने आई बैठो मैम पागल है सही करेगी तुम्हारी साइकिल, बैठो बिठाओ उसको बिठाओ, ये अब 24 घंटे साइकिल पे बैठ रहेगा समझी, जिस तरह उन्होंने सही कराई ना साइकिल, ये साइकिल से उतरने चाहिए, इसका गद्दा भी यहाँ डालो, इसकी सारी चीजें साइकिल पे डालो, बैठो ना हमने वेल्डिंग कराई तुम्हारी साइकिल,
भाई यार, एक तो अगले की साइकिल हमने वेल्डिंग करा दी, अब अगला बैठने को तैयार ही नहीं है। तुम एक काम करो, तुम बैठो जरा। अरे तुम बैठ के ध्यान रख के। एक चूंटी पे हाथी बैठ जाता है ऐसा। चूंटी पे हाथी बैठ जाए, मैं बैठ तो जाऊंगा, टूटिया मसला नहीं है, बैठ जाएंगे भाई। बैठ जाओ यार, हमने तुम्हारे लिए वेल्डिंग कराई है, अपने थोड़ी कराई है भाईजान। भाई साहब, हेलो हेलो ब्रदर। नहीं भाई, हाँ ये वो औलाद है, इनको बिन मांगे चीजें मिल जाती है, उनको कोई कदर ही नहीं होती है। तो एनीवेज भाई, अब ये बैठे ना बैठे, हमने तो वेल्डिंग करा दी, हमारा जो काम था हमने अपना फर्ज पूरा कर दिया भाई। तो साइकिल बिचारी बोल रही भाई, कोई तो बैठ जाओ। तो गाइस भाई, मैं गया था बाहर मुस्तफा की साइकिल सही करवाने के लिए, और मैं आया तो भाई चाय बनी हुई थी। चाय कैसे बनी हिराने बता भाई, इत्तेफाक से गैस आ गई आज। कैसे आ गई यार, कोई टाइम ही नहीं है ना, गैस का कोई टाइम बना दिया मेरे ख्याल से। तो एनीवेज यार, गैस आई, मेहरबानी, चाय तो मिल गई आपका भाई, नमक पारे वो तो पहले लाए लेकर आने थे, लेकिन वो चाय भी मिल गई तो भाई और अच्छा हो गया, सोने पे सुहागा हो गया। तो आपका भाई अपने प्राइस लेकर आया था भाई, शदीद भूख लग रही थी मुझे आज सुबह से उठ के ना, घर के काम 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 काम, बाहर के काम से ज्यादा ना खतरनाक घर के काम होते हैं, जो खत्म ही नहीं होते जिंदगी भर यार। तो एनीवेज यार, चाय वाय पीते हैं। सो वेलकम बैक गाइस यार, 2-3 घंटे के बाद मिल रहा हूँ आप लोगों से। किसी जरूरी काम से बाहर तक गया हुआ था यार, ऑफिस के काम था, सारी बातें आपको पता है, मेडिकल रैप की जॉब है, तो भाई मॉर्निंग और इवनिंग की वर्किंग तो होती है भाई हमारी। तो इवनिंग के लिए यार मैं गया हुआ था वर्किंग में, तो अभी भी आया हूँ भाई। मैंने कपड़े वपड़े सब चेंज कर लिए, शदीद मुझे नींद आ रही है, तो रात को 12 बज रहे हैं। तो भाई मैं कर रहा हूँ ब्लॉग को यहीं पर एंड। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे उसको लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलता हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।